सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर रह जाएगा पूरे देश में कई हद तक काम आसान हो जाएगा। वही तो बात कह रहा हूँ नीलेश जी, ये सबके बाद तो हमको जाना है न्यायालय के पास, और न्यायालय ने आदेश दे दिया, न्यायालय ने आदेश दे दिया कि आप फोर्स वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं, आप वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो अब ये बात सोचिए कि ये आप कह रहे कि मान लीजिए कि हमने आंदोलन कर दिया, सड़क पर उतर गए और सुप्रीम कोर्ट को फोर्स कर दिया कि भैया आप निर्णय दीजिए, न्याय करिए, सुनिए, हम लोग चलाए, लड़े, संघर्ष किए, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट तो न्याय देने के पक्ष में नहीं थी, इस बात को समझिए। आप लोग लड़ाई लड़े हैं, इस तरह से आप लोगों ने दबाव बनाया है, हाँ, तब जाकर के सर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये न्याय दिया है उन्होंने बिल्कुल, और वो भी कुछ जजों के प्रति हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने इस बात को सुना। मेरा ये कहना है कि ये सब प्रक्रिया के बाद ये जजमेंट आ चुका है, उसके बाद ये चल रहा है, अब इसका दोषी कौन है? तो मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर कहेंगे फिर कोर्ट में आइए। सुनिए ना, ये आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, आप दोनों ऑप्शन लेते ना। सुनिए, एक ऑप्शन क्या है, हमने कंटेंप्ट लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के सेबी का डायरेक्टर, ये जो भी है दो चार अधिकारी इंडियन एक्सप्रेस वाले जिन्होंने ऐसी कंटेम्पचुअस वैकेंसी पब्लिश किया है, एंड इनको उठा के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेज दिया, तो आपको लगता है बाद में कोई हिम्मत करेगा ऐसा? मेरे हिसाब से ये आसान तरीका एक। अब आप सजेस्ट कर रहे हो कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, वो पी चिदम्बरम, इनको नोटिस भेजा जाए, इनको नोटिस हम भेज देंगे, वो उसके लिए ठीक है, उनकी मजबूरी में क्यों ना होता, वो आवाज उठाएंगे, चांसेस तो कम है, क्योंकि चिदंबरम खुद बूस्टर डोज के पीछे लगे थे, केजरीवाल का भी बैकग्राउंड आपको पता है कि उनको फंड कहां से आता है, तो इसमें इनके चांसेस कम है, लेकिन ये उनको एक्सपोज करने के लिए अच्छा तरीका है। लेकिन जो एक रिजल्ट देना है इस देश के सारे ऑफिसर का, उनको ये ऐसे गलत काम करने से रोकना है, तो कंटेम्प्ट इज द बेस्ट। सुप्रीम कोर्ट एक बार जेल में भेजेगा और वार्निंग देगा, इसके बाद में ऐसा कुछ भी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि बोलेंगे अपने गांव के कोई मजिस्ट्रेट में भी आप कंटेंट का केस चलाओ, हम उनको ज्यूरिडिक्शन देते हैं, तो भी कॉमन मैन को हर बार सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन मैन नीचे के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी खुद होके, बिना वकील के खुद होके भी अर्जी लेकर जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है। तो मेरी नजर में यह तरीका ज्यादा बेहतर है।